हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एकदम ही बढ़िया सी ऑसम वाली रिफ्रेशमेंट ड्रिंक। एक ऐसी ड्रिंक जो आप पीते से ही एकदम फ्रेश फील करने लग जाओगे। तो डरिए मत, ड्रिंक मतलब ये सिंपल सा अपना जो नींबू पानी बनता है वही है और कुछ नहीं है। बट इसमें हम ऐसी कुछ चीजें डालेंगे जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये एक मैंने वेसल ले लिया है, इसमें जो है अभी मैं 2 ग्लास ऑफ वाटर डालूंगी। ये जो 1 ग्लास है इसमें मैं सिंपल सा वाटर डाल रही हूँ, मतलब नॉर्मल वाटर जो कि चिल्ड नहीं है। और ये जो अभी दूसरा ग्लास पानी मैं डालने वाली हूँ ये रहेगा चिल्ड वाटर। ठीक है, तो 2 ग्लास ऑफ वाटर मैंने डाल दिया है। अभी आप ये लेमन देख सकते हैं, 1½ लेमन है। 2 ग्लास ऑफ वाटर के लिए मैं 1½ लेमन यूज कर रही हूँ। तो इसको जो है हम अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे, इसका जितना भी जूस है अच्छे से इसको निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें नींबू का जो सीड वगैरह होता है वो अंदर ना जाए। तो ये मैंने इसको अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, ये 1/2 लेमन बचा है, इसको भी जो है हम अच्छे से स्क्वीज कर लेते हैं। ओके, ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें जो है मैं 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डालूंगी। आप अपने हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो और भी शुगर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसमें मैं ऐसे कोई चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे मुझे शुगर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स वाई मैंने 3 टेबल स्पून शुगर डाला है। यहाँ पे मैं चुटकी भर जो है वो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल जो सॉल्ट होता है हमारा वो मैंने डाल दिया है। और ये आप देख रहे हैं एक चाट मसाला है, उसको मैंने लिया है, तो चाट मसाला को भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया। अब जो है यहाँ पे मैं कुछ डालने वाली हूँ स्पेशल। तो ये आप देख रहे हैं, इस बॉटल में हमने आम का पन्ना तैयार करके रखा था। अगर आप जानते होंगे तो कैरी का जो है वो उसका पन्ना बनता है। तो इसमें गुड़ और कैरी ऐसा पूरा मिक्सचर है जिसमें थोड़ा सा कार्डमम का भी फ्लेवर है, इलायची जिसे बोलते हैं, तो वो मैंने थोड़ा 1 टेबल स्पून जो है वो भी इसमें मिला लिया है। तो इसको जो है हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। याद रखिएगा चाट मसाला में भी नमक होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, उसको थोड़ा कम ही सॉल्ट डालना। और ये रहा हमारा स्पेशल आइटम, ये है स्प्राइट जो हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो इसको भी जो है मैं थोड़ा सा इस लेमनेड में डाल दूंगी। तो गाइज यहाँ पे मजे वाली बात ऐसी है कि इसमें आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि एक जीरू भी आता है, मस्त सोडा टाइप रहता है, मैं उसको भी डाल के लेती हूँ। ये थोड़ा आप देख सकते हैं, हमने पुदीना जो है उसका पेस्ट करके रखा था, इसको भी जो है मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसमें थोड़ा पुदीने का भी जो है फ्लेवर मस्त से आएगा और ये बहुत ही मजेदार ड्रिंक बनने वाला है गाइस। इसको आप जरूर ट्राइएगा, ये बहुत बहुत ही यम्मी लगता है। आप एक बार पियोगे बार बार पीते रह जाओगे। इसको अच्छे से मैंने स्टर कर लिया है और ये रहा हमारा लेमनेड रेडी है। इस पर मैंने थोड़े से ऊपर से पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं और गार्निशिंग के लिए ये लेमन का एक स्लाइस भी लगा दिया है। तो ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, मैंने ऐसे ही कुछ सोचा और बस ऐसे बना दिया और ये बहुत ही अच्छा बना। तो आप भी इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये 5 मिनट वाली रिफ्रेशमेंट वाली जो ड्रिंक है ये आपको कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे कनेक्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ रेसिपी। बाय बाय।